विश्व रतन विश्वविख्यात भारत रतन इस देश के प्रथम कानून मंत्री संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और इस तंबू नगर के अंदर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत द्वारा, इस कार्यक्रम में आए मैं सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे कि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने मन के उद्गार रखे, अपने अपने विचार रखे, सारी चीजें रखी, हमने सब कुछ सुना, लेकिन मैं एक चीज, मेरे क्वेश्चन बहुत दिन से, बहुत समय से उत्पन्न हो रहा था यहां बैठे बैठे कि समाज में संगठन बहुत लेकिन समाज संगठित नहीं, समाज में संगठन बहुत लेकिन समाज संगठित नहीं, ऐसा क्यों? साथियों, ऐसा क्यों? मैं अपने भाई से दो मिनट रोक लूंगा, मैं अपनी बात को दो मिनट में ही समाप्त करूंगा। समाज क्योंकि आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर हम लोग वैचारिक क्रांति नहीं कर पाए, समाज 1000 टुकड़ों में बटा हुआ है, 1000 संगठन है और हर संगठन अपने अपने माध्यम से काम कर रहा है, लेकिन हमें इस देश के अंदर वैचारिक क्रांति बनानी पड़ेगी, एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा जिसका प्लेटफार्म होगा वैचारिक, क्योंकि जब तक हमारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलने के, जब तक हमारे एक दूसरे के विचार नहीं मिलने के, तब तब हमारे एक दूसरे के संबंध भी नहीं बनेंगे। साथियों, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैंने 2012 के अंदर बाबा साहब को पढ़ा था और उससे पहले मुझे कभी बाबा साहब के बारे में किसी ने बताने का काम नहीं किया, लेकिन आज मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके मैंने एक काम कर रखा है, अंबेडकर पाठशाला, जिस गली में 5 साल के बच्चे को बाबा साहब के बारे में नहीं पता, मैंने इस क्रांति को मेरठ की धरती से चालू करा है और जब तक मेरी आगे तक मेरा इस जीवन में टाइम है, मैं उस टाइम में बाबा साहब का एक काम करता रहूंगा, क्योंकि वैचारिक क्रांति में पैदा करनी है। इस देश के अंदर एक संगठन बहुत बड़े तादाद में काम करता है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS, लेकिन वो कोई लड़ाई नहीं करता, वो कोई झगड़े नहीं करता, वो वैचारिक क्रांति पर समाज को एकजुट काम करने का काम करता है और इसलिए इस देश के अंदर वो बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में है, बहुत बड़ी ताकत में है। हमें वैचारिक रूप से क्रांति लानी है, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते हैं। साथियों, हमें घरों से निकलना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा, अपने इतिहास को बताना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज के अंदर लेके जाना पड़ेगा, हमें भाषणबाजी से दूर रहना पड़ेगा, हमें मंच और मार्ग मारे से दूर रहना पड़ेगा और समाज में ईमानदारी पूर्वक हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जिंदगी के दौर में उसी का दौर चल गया, जिंदगी के दौर में उसी का दौर चल गया और जो भीड़ से रास्ता बनाकर निकल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने समाज के लिए बहुत संघर्ष करा, बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम जी ने करा, दीना भारा वाल्मीकि जी ने करा, खापटे साहब ने करा, तेजन झल्ली झल्ली जी ने करा, लेकिन उनमें काशीराम जी सबसे अलग थे। उन्होंने कहा था कि आज के बाद तो ना तो मैं किसी रिश्तेदारी में जाऊंगा, किसी शादी में जाऊंगा, किसी फंक्शन में जाऊंगा, और काम करूंगा तो करूंगा लेकिन समाज के लिए काम करूंगा, और इस विचारधारा पर यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और आज इतनी स्थिति मजबूत है, इतनी इसका समाज इतनी मजबूत है कि वो जब चाहे कुछ कर सकता है। तो साथियों, हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं हमें शादी में जाना, ना किसी ब्याह में जाना, ना किसी कार्यक्रम में
में जाना, अगर हमें जाना है समाज के अंदर अपने राज और महापुरुषों की विचारधारा को लेके जाना है और देखना है देश के अंदर अगर क्रांति में पैदा हो जाए तो कहना, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा क्योंकि हमारे वक्तगण बहुत है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक चीज और कहूंगा साथियों, हमें जो नेतृत्व की इस देश के अंदर कमी रही है, हम एक दूसरे किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। मेरा यही है कि समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग समाज के अंदर काम कर रहे हैं वो समाज के प्रति अपना नेतृत्व साफ सुथरा रखे और वो आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय।